तो कहानी के शुरू में हम एक लड़की जूलियट को देखते हैं जो वैन में बैठी शहर में सफर कर रही थी, जहाँ पर कोई भी नहीं था क्योंकि सारा शहर बंजर था। वहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया था, मगर बचे थे तो सिर्फ जूलियट और उसके बेस के लोग। वो अपने फौजी साथियों के लिए शहर में जरूरत का सामान ढूंढने आई थी। उसके पास वैन में एक गन और अपने हस्बैंड की तस्वीर थी। वो अपने हस्बैंड को आज भी बहुत ज्यादा याद करती थी। अब वो एक गैस स्टेशन के पास अपनी वैन को रोकती है। वो जगह भी बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। जूलियट अंदर जाकर थोड़ा सा आराम करती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गई थी। पर तभी उसे उस गैस स्टेशन से आवाजें आने लगती हैं, जिससे वो काफी डर गई थी और वहाँ से भी चली जाती है। दरअसल पूरी दुनिया में एपोकलिप्स एक ऐसी तबाही फैली हुई थी जहाँ पर इंसानों की तरह दिखने वाले खतरनाक क्रिएचर्स थे जो हर तरफ फैले हुए थे। वो क्रिएचर्स इंसान का शिकार करते और उन्हें मार कर खाते थे। वो दिन में बाहर नहीं निकलते थे बल्कि रात को बाहर निकल कर इंसानों पर हमला करते थे। अब जो गैस स्टेशन के अंदर से जूलियट को आवाजें आ रही थी, वो उन्हीं खतरनाक क्रिएचर्स की थी जो वहाँ पर छुपे हुए थे। जिसके बाद जूलियट दोबारा से अपनी वैन में बैठती है और अपने कमांडर से भी इंटरकॉम पर बात करती है। वो भी जूलियट को क्रिएचर्स के बारे में बताते हैं और ये भी कहते हैं कि वो अपना काम ध्यान से करे। यहाँ पर जूलियट के इंटरकॉम की बैटरी खत्म होने वाली होती है, साथ ही रात भी होने वाली थी, इसीलिए वो अपनी वैन को एक छोटे रास्ते से ले जाने लगती है। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक और वैन दिखाई देती है जहाँ पर एक आदमी जख्मी हालत में था। वो जाकर जब उसे देखती है तो वो जूलियट को बताता है कि कल रात मेरे ऊपर एक क्रिएचर ने हमला किया, उसी ने मेरा ऐसा हाल कर दिया है, मैंने उसे अपनी वैन में बंद किया हुआ है। पर वो आदमी बहुत ज्यादा दर्द में था, इसीलिए वो जूलियट को खुद को मारने का कहता है क्योंकि उस आदमी से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जिसके बाद वो उस जख्मी आदमी की वैन में जाकर उस क्रिएचर को मार देती है और जरूरत का सामान लेकर बाहर आ जाती है। बाहर वो आदमी भी मर गया था। अब बस रात भी होने वाली थी, इसलिए जूलियट जल्दी से अपनी वैन में बैठकर अपनी बेस की तरफ जाने लगती है। जब वो जा रही थी तो रास्ते में वो अपने हस्बैंड जैक की तस्वीर को देखते हुए उसका ध्यान भटक जाता है और उसकी वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। तो साथ ही यहाँ से कहानी जाती है पास्ट में, जब सब कुछ ठीक था, जब दुनिया ऐसी नहीं थी। जूलियट को हम एक आर्ट गैलरी में देखते हैं जहाँ पर वो पेंटिंग्स को देख रही थी। वहीं पर वो जैक से पहली बार मिली थी जो उस आर्ट गैलरी का मालिक था। आकर जैक उससे पूछता है क्या तुम्हें वो पेंटिंग पसंद आई, जिस पर वो कहती है हाँ शायद, क्योंकि जूलियट यहाँ पर किसी पेंटिंग को देखने नहीं बल्कि वो तो यहाँ पर फ्री का खाने पीने के लिए आई थी। जैक भी उसकी बातों से समझ गया था कि उसे पेंटिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो उससे कहती है कि बाहर बारिश हो रही थी, मैं तो बस इसलिए यहाँ पर आई थी। पर जैक उसकी बातें सुनकर कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें यहाँ पर गॉड ने भेजा है क्योंकि वो हमें मिलाना चाहते हैं। जिसके बाद वो जूलियट को एक पेंटिंग दिखाता है जिसमें काफी अजीब शक्ल बनी हुई थी। वो कहता है इसे देखो, ये देखकर तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये कितनी बुरी है, पर मेरा कहना ये है इसे गौर से देखो, तुम इसकी ऐसी शक्ल पर मत जाओ बल्कि ये देखो इसे कितने खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। यानी कि जैक उसे यहाँ पर इंसान की अंदरूनी खूबसूरती के बारे में समझा रहा था। अब अगले दिन जैक जूलियट से फिर मिलता है और उसे अपने घर ले जाता है। घर देखकर हैरान हो गई थी क्योंकि उसका घर बहुत बड़ा और खूबसूरत था। वो दोनों बैठकर बहुत बातें करते हैं जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उन दोनों के माँ बाप नहीं थे। लेकिन थोड़ी देर बाद जूलियट को कुछ अजीब महसूस होता है और वो जाने लगती है क्योंकि उसे जैक का इतना अच्छा रवैया देखकर उस पर शक हो रहा था, इसीलिए वो उसके घर से चली जाती है। जिसके बाद कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। जैक जूलियट को एक बार में देखता है, उसके साथ एक बूढ़ा आदमी था। जैक को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसे ये जानकर तो और भी ज्यादा बुरा लगता है कि जूलियट ऐसे बुरे लोगों के साथ वक्त सिर्फ पैसे लेने के लिए गुजारती है, इसीलिए वो अब उसका पीछा करता है। वो उसके घर तक आ गया था पर वो देखता है कि कुछ गुंडे जूलियट को तंग कर रहे थे क्योंकि उसने उनके घर का किराया नहीं दिया था। तो ये सब देखकर जैक उसकी मदद करता है, घर के मालिक को किराया देता है और जूलियट से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। पर वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और उल्टा गुस्से में उसे अपने घर से जाने का कहती है। काफी दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन जूलियट खुद ही जैक के घर आती है। उसकी हालत बहुत खराब थी, वो बहुत जख्मी थी। ये हालत उसकी उन्हीं गुंडों ने की थी जिनसे पहले जैक ने इसे बचाया था। जैक जब उसकी ऐसी हालत देखता है तो काफी परेशान हो जाता है। फिर वो उसके जख्मों को साफ करता है और उसका काफी ख्याल भी रखता है। जूलियट ये बात नहीं जानती थी कि जैक उससे कितना प्यार करता है, इसीलिए तो वो उसका इतना ख्याल रख रहा था। यहाँ पर हमें जूलियट के बारे में एक और बात पता चलती है कि वो नशा भी किया करती थी। अब जब वो बिल्कुल ठीक हो जाती है तो दोबारा नशा करने के लिए बाहर जा रही थी। जैक उसको रोकता है कि ऐसा मत करो, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है और घर की चीजों को भी फेंकने लगती है। तभी जैक उसको गले लगाकर शांत करता है, वो उसकी नशे की हालत को छुड़वाना चाहता था।
इसीलिए वो उसे शहर से दूर ले जाता है जहाँ पर वो एक बहुत ही खूबसूरत घर खरीदता है। उन दोनों ने शादी भी कर ली थी और वहाँ पर हंसी खुशी रहने लगे थे। एक दिन जूलियट जैक को खुशखबरी देती है कि वो माँ बनने वाली है, जिससे जैक बहुत खुश होता है। पर जब उनका बच्चा पैदा होता है तो वो मरा हुआ था, जिससे वो दोनों काफी दुखी हो गए थे। जैक इस बात को जानता था कि ये सब जूलियट की नशे वाली आदत की वजह से हुआ है, पर वो उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि वो भी बहुत दुखी था। जूलियट फिर से पहले से भी ज्यादा नशा करने लगी थी। वो रात रात भर घर से बाहर रहती थी। जैक जाकर उसे ढूंढ कर लाता और उसका ख्याल रखता था। पर एक दिन जब दोनों गाड़ी में जा रहे थे तो उनके बीच झगड़ा हो जाता है। जूलियट उसे कहती है कि मेरे बच्चे की मौत के जिम्मेदार तुम हो, जिस पर जैक को बहुत गुस्सा आता है और वो गाड़ी से उतरकर एक फैक्ट्री के पास चला जाता है। और जूलियट भी एक बार में आ गई थी, तभी उसे जैक की कॉल आती है पर वो उसे नहीं उठाती। लेकिन जब वो टीवी पर खबर देखती है जिसमें बताया जा रहा था कि फैक्ट्री के पास एक केमिकल धमाके की वजह से 40 लोग मर गए, तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जैक के बारे में सोचने लगती है। तभी वो जैक का फोन उठाती है तो एक आदमी उसे बताता है कि जैक की हालत बहुत खराब है और वो हॉस्पिटल में है। जूलियट जल्दी से हॉस्पिटल जाती है। वो जाकर देखती है जैक एक कमरे में था जिसकी हालत बहुत खराब थी, जिसे देखकर अब जूलियट को पछतावा हो रहा था कि अगर उनके बीच झगड़ा ना होता तो जैक की ऐसी हालत ना होती। खैर जब ये जैक के पास जाती है तो वो बोल तो नहीं सकता था, इसीलिए वो एक बोर्ड पर उसे आई लव यू लिख कर देता है, जिसे देख जूलियट को बहुत रोना आता है क्योंकि अब उसे जैक के प्यार का एहसास हो गया था। वो उसे खोना नहीं चाहती थी। जूलियट को पूरा यकीन था कि वो ठीक हो जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। अगले दिन जब वो हॉस्पिटल आती है तो वहाँ पर जैक नहीं था। उसके पूछने पर हॉस्पिटल वाले बताते हैं कि वो मर गया है और उन्होंने उसकी लाश को जला दिया क्योंकि वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो गया था। ये सुनकर तो जूलियट अब टूट चुकी थी। वो उसके मरने के बाद जैक की बहुत सी यादों को याद करती है। जैक के जाने के बाद जूलियट अब फिर से बिल्कुल अकेली हो चुकी थी, जिसके बाद हम कहानी को दोबारा से प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पर जूलियट की वैन का एक्सीडेंट हुआ था। अब आहिस्ता आहिस्ता उसे होश आता है। उसकी टांग वैन में फंसी हुई थी। वो हिलने की कोशिश करती है मगर हिल नहीं पाती। तभी वो अपनी गन को देखती है जो वैन से थोड़ा दूर पड़ी थी। वो एक तार के जरिए उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है पर नहीं खींच पाती। अब वो अपनी टांग को जैसे तैसे कर बाहर निकालती है। उसकी टांग की हड्डी टूट चुकी थी जो अब बाहर निकल रही थी। वो उस पर शराब को डालकर हाथ से उसे अंदर करती है, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। पर उसने अपनी टांग पर अब पट्टी बांध ली थी। वो अपनी वैन में मौजूद रेडियो से अपने बेस पर राबता करने की भी कोशिश करती है पर उसकी किसी से भी बात नहीं हो पाती। अब वो आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए बाहर जाती है और जाकर अपनी गन उठा लेती है। तभी वहाँ पर उसके रेडियो के शोर से अजीब सा क्रिएचर आ गया था जो दिखने में बिल्कुल इंसान जैसा था। असल में ये जितने भी ऐसे क्रिएचर्स थे सब पहले इंसान थे, पर उस फैक्ट्री के केमिकल वाले धमाके की वजह से बचने वाले इंसान क्रिएचर्स में बदल गए, यानी वही धमाका जिसमें जैक की भी मौत हुई थी। जूलियट को तभी अपने रेडियो पर भी आवाज आती है। उसके बेस से कोई बोल रहा था पर अब वो क्रिएचर भी उसकी तरफ आने लगा था क्योंकि रेडियो की आवाज उस क्रिएचर को जूलियट की तरफ खींच रही थी। तभी जूलियट उस रेडियो को अपनी वैन से दूर फेंकती है, जिससे वो क्रिएचर भी रेडियो के पास जाकर उसे उठाकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद जूलियट कुछ ट्यूबलाइट्स को भी बाहर फेंकती है, जिससे अंधेरे में देखा जा सकता था, ताकि उनकी मदद से रेडियो को ढूंढ सके। उसे रेडियो मिल तो जाता है पर साथ ही उसे क्रिएचर ने भी देख लिया था, जो उसका पीछा करने लगता है। जिसे देखकर जूलियट दोबारा से अपनी वैन में आ जाती है और अपनी गन लेकर क्रिएचर का इंतजार करने लगती है। वो पीछे से आकर जूलियट को पकड़ लेता है मगर वो वैन की एक्सीलेटर को दबा देती है, जिससे वो डर गया था और थोड़ा पीछे हो जाता है। मगर वो दोबारा से उस पर हमला कर देता है। जूलियट इस बार उस पर अपनी गन से गोली चलाकर उसे दूर करती है। अब उसकी रेडियो पर भी बात हो गई थी। उसकी बेस के लोग कहते हैं कि तुम अपनी वैन में लगी ट्रैकिंग डिवाइस को ऑन कर दो, जिससे हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। वो ऐसा ही करती है। जहाँ पर वो एक तरफ क्रिएचर से बचने की कोशिश कर रही थी तो वहीं पर वो क्रिएचर उसकी वैन के सामने वाले शीशे को तोड़ने में कामयाब हो जाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। पर जूलियट जल्दी से हेडलाइट को चला देती है, जिससे वो भाग गया था क्योंकि ये क्रिएचर्स ज्यादा रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बाद में वो फिर से रेडियो पर अपने बेस पर बात करती है, जिस पर वो उससे कहती है कि हम लोग खतरे में फंसे हुए हैं, तुम भी अगर सुबह तक जिंदा रही तो हम तुम्हें बचा लेंगे। ये सुनकर तो जूलियट और ज्यादा डर गई थी। तभी उसे वहाँ पर एक और गाड़ी की आवाज आती है। वो उस गाड़ी को देखकर उन्हें आवाज लगाने लगती है। दरअसल वो चोर और गुंडे थे जो लोगों को मारकर उनके सामान को चुराकर भाग जाते थे। उस गाड़ी में से एक आदमी जब जूलियट की आवाज सुनता है तो उल्टा वो उसे बचाने की बजाय उसे मारने आया था, पर वहाँ मौजूद क्रिएचर उस आदमी को खींचकर मार देता है और खा जाता है, जिससे जूलियट की जान बच गई थी। उस आदमी के बाकी साथी क्रिएचर से डरकर भाग गए थे, मगर अब बेचारी जूलियट सब चीजों से बहुत ज्यादा डर गई थी और खुद ही अपनी जान लेने का सोचती है, क्योंकि वो क्रिएचर के हाथों नहीं मरना चाहती थी। अब खैर वो हिम्मत करती है और वैन से बाहर आ जाती है। उसके पास पेट्रोल की कैन और फ्यूल स्टिक्स थी। वो वैन से कुछ
दूरी पर पेट्रोल कैन को रखकर फ्लेयर स्टिक्स में आग लगाती है। रोशनी देखकर क्रिएचर उसकी तरफ आने लगा था, तो उसके पास आते ही वो पेट्रोल कैन को शूट कर देती है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। पर वो क्रिएचर अब भी उस धमाके से नहीं मरता। वो जूलियट को खींचकर उसे दूर फेंकता है, लेकिन इस बार जूलियट ने उस क्रिएचर को गोली मार दी थी, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। और जूलियट भी वहीं पर लेट गई थी, क्योंकि वो जख्मी होने के साथ साथ बहुत ज्यादा थक भी गई थी। जब सुबह होती है तो वहाँ पर क्रिएचर को होश आ गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा जूलियट की तरफ बढ़ रहा था। वो उसे दोबारा से मारने के लिए गन उठाती है, पर इस बार उसकी गन में भी गोलियां खत्म हो गई थी। वो क्रिएचर उसके पास आकर उसे बिल्कुल वैसे ही हाथ लगाता है जैसे जैक उसे छुआ करता था। यहाँ पर हमें और जूलियट को ये बात पता चलती है कि जैक मरा नहीं था, बल्कि वो जिंदा था और क्रिएचर में बदल गया था। पूरा वक्त वो जूलियट के साथ था, जैसे वो उसकी हिफाजत कर रहा था। तभी जूलियट को जैक की वही पेंटिंग वाली बात याद आती है, जिसमें काफी अजीब शक्ल बनी हुई थी, इंसान की अंदरूनी खूबसूरती के बारे में समझा रहा था, जिसका मतलब उसे अब समझ आया था। साथ ही अब वो ये भी मान गई थी कि उन दोनों को किस्मत नहीं मिलाया था। वो अब जैक को बताती है कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है। वो दोनों काफी दुखी हो गए थे, जिसके बाद आखिर में जूलियट खुद को और जैक को गोली मारकर मार देती है। उसने ऐसा शायद इसलिए किया क्योंकि जैक की ऐसी हालत का जिम्मेदार वो खुद को मानती थी, और जैक को उसने इस वजह से मारा, वो उसे ऐसी हालत में देखकर बहुत दुखी थी। वो नहीं चाहती थी कि जैक और किसी को भी नुकसान पहुंचाए। तो हमेशा अपने उन प्यारों का ख्याल रखें जो आपसे प्यार करते हैं। ये सर्वाइवल कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।